हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज डॉली जैन। आपको लग रहा होगा कि आज डॉली क्या पहनी हुई है एंड वेयर इज द साड़ी। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, साड़ी भी होगी और इसके ऊपर एक फैंटास्टिक ड्रेप भी होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। आप सबका 15 साल से मैं वेडिंग में ड्रेप्स कर रही हूँ। प्राय सारी ब्राइड्स का एक कंप्लेन रहता है, डॉली जी कैन कैन बहुत गड़ रहा है अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालूं उनके लिए कि उनका कैन कैन जैसा चीज़ भी आ जाए, गड़े भी नहीं, अंदर सॉफ्ट भी रहे, ये सारा चीज़ कवर अप हो सके। उसका ये सॉल्यूशन है। यहाँ से ये फिटेड है, स्ट्रेचेबल है, तो अगर वो फेरे के टाइम नीचे बैठती है या कोई भी पूजा के टाइम वो नीचे बैठती है तो आराम से ये स्ट्रेच हो जाता है। नीचे से एक फ्लैट लुक है जिसके कारण आपको दिख रहा है एकदम कैन कैन वाला इफेक्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, आपको दिखाती हूँ मैं इसके फैब्रिक को। देखिए ये इसके अंदर एक लाइनिंग दिया हुआ है, ये देखिए, जिसके कारण आपको ये कैन कैन बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और दूसरा ये जो नेट है एकदम सॉफ्ट नेट है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइड्स की मम्मी जब वो कैन कैन पहनती है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है जैसे कि ब्राइड के साथ खड़ी भी वो दूसरी ब्राइड लग रही होती है। वी नीड टू लुक लाइक अ मदर नॉट लाइक अ ब्राइड। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा सबड्यूड हम कुछ ऐसा चीज़ पहने जो थोड़ा कैन कैन दे और बहुत ज़्यादा भी नहीं रहे, तो आई थिंक आपको इस तरह से कुछ ट्राई करना चाहिए। ये भी एक डीकोट का ही अनदर वर्जन है जिसको स्पेशली आपके लहंगे के लिए बनाया गया है। ठीक है, शुरू करें ट्रिप। तो चलिए आज पहनते हैं सव्यसाची की इतनी सुंदर सी साड़ी। ये बहुत ही प्यारा साड़ी है, वो बहुत ही ब्रिलियंट डिज़ाइनर है, मुझे उनकी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ बनाना शुरू करते हैं। इरा ऐसे 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 आप प्लीट्स बनाते जाएंगे, अलाइन करते जाएंगे, ऐसे फिर अलाइन किए, फिर ऐसे, और करते करते आप इस पूरे प्लीट्स को सेट कर लेंगे। मैंने प्लीट्स ऑलरेडी बना के रखी है और उसके ऊपर एक पिन लगाया। अब इसको आप अपने शोल्डर पे रेस्ट करोगे। अब आपने पिन लगा लिया, शोल्डर पे प्लीट्स डाल दी, अब क्या नेक्स्ट, इसको आप लेंगे ऐसे और इस साड़ी को इधर ले आइए। अब हम यहां से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपने बनाया, ठीक है, आपको बता दूं कि ये प्लीट्स हमें ऐसे टक करना है। ठीक है, अगर आपको ये प्लीट्स ऐसे टक करनी है तो ये कॉर्नर को आपको कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे छुपाओगे, ये देखो, फर्स्ट प्लीट आपने ऐसा लिया, ये आपका फर्स्ट प्लीट था, फिर आप उस पूरे प्लीट को अंदर घुसा दो। अब देख रहे हो आप, मेरा कहीं से भी वो फर्स्ट मुंह नहीं दिख रहा है, यू नो स्टार्टिंग ऑफ द साड़ी नहीं दिख रही है। वापस से दिखाओ, ये रहा, इसको हमने एक प्लीट बनाया, यूं था कॉर्नर। अगर आपके कॉर्नर में बॉर्डर है तो डेफिनेटली दिखाएं, बट मेरी जो साड़ी है वो एकदम प्लेन है तो मैं क्या करूँगी, ऐसे है, इस पूरे को अंदर घुसा देंगे। अब देखिए, ठीक है, अब हम प्लीट्स बनाएंगे। अभी तक तो आप सब प्लीट्स बनाने में मास्टर हो गए होंगे, नहीं? ये रही आपकी प्लीट्स, ठीक है, अब आप देख लो कि कितना आपको ऊंचा चाहिए, बस थोड़ा सा काउल छोड़ते हैं ऐसे क्योंकि ये अच्छा लगता है। अब आप इसको ऐसे लोगे, डस्ट करोगे, और जैसे डस्ट करते हो ना, देखो ये सारी प्लीट्स आपकी बनी बनाई आ गई। लिनन की साड़ी है, इतनी अच्छी इसमें फॉल है, बट अगर आपने प्लीट्स अच्छे से नहीं बनाया तो एक बहुत अच्छी साड़ी को भी आप गड़बड़ कर देते हो पूरा। ठीक है, अब सारे प्लीट्स बना लिए हैं, अच्छी तरह से अलाइन कर लिए हैं, थोड़ा सा स्प्रेड कर लिए, अब टक कहाँ करना है, ये जो आपका जॉइंट होता है ना, इस जॉइंट पे टक करें ताकि जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो भी कवर हो जाए और यहाँ से एक स्मूथ फिनिश भी आ जाए। तो
तो थोड़ा सा इस एरिया को पकड़ते हुए हम इसको टक कर देंगे। दैट इज इट। ये देखिए ये हो गया, ये आपका काउल आ गया यहाँ से। अब प्लीट्स टक हो गए हैं एकदम नाइस एंड नीट। अब क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ोगे ना तो ये अजीब लगेगा, क्योंकि ये डीकोट जो है ये प्लेन है और आपकी साड़ी जो है वर्क की है। अगर अंदर का वर्क होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये प्लेन है तो आपको इस प्लेन पार्ट को ऐसे कवर करना है। आप इस फैब्रिक को उठाओगे और ऐसे इसको कवर कर देंगे, ठीक है। उसको कवर करके यहाँ पे आप पिन लगा लोगे, क्योंकि यहाँ से हमको काउल चाहिए। कहीं पे और एक्स्ट्रा पिन नहीं लगा रहे, एक पिन यहाँ। आप चाहो तो दो पिन लगा लो प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए। दो पिन यहाँ पे, एक पिन पीछे, तीन, और एक पिन शोल्डर के लिए चार। एक नया ड्रेप सिर्फ चार पिन्स पे, है ना, इंटरेस्टिंग। ओके ठीक है, अब आप इसको करते हैं ऐसे, इसको फ्लो करते हैं। प्लीज़ बहुत ज़्यादा पिन नहीं लगाएं, इसको एक पिन, इसको एक पिन, बिल्कुल नहीं करें। साड़ी का एक अपना एक फ्लो होता है और उसको नेचुरली गिरने दें, है ना। बहुत ज़्यादा कर देते हैं फिर तो लगता है स्टिच गारमेंट पहन लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वेयर इट। एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, आप एक बेल्ट पहन सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। ये देखिए मैंने बेल्ट पहन लिया एंड राइट बिलो योर बस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पहनते हैं, यहाँ बेल्ट नहीं पहनेंगे। बेल्ट पहनते जो आपके बॉडी का स्लिमेस्ट पार्ट होता है। ये मेरे बॉडी का स्लिमेस्ट पार्ट है तो मैं यहाँ पे अपने बेल्ट को पहनती हूँ। क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है तो कुछ ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जो हाईलाइट करे आपकी साड़ी को, तो मुझे लगा कि ये बेल्ट हो सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये ड्रेप पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। किसी भी तरह मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएं साड़ी, और मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व कर सकूँ आप लोगों के लिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय हिंद।